गुरु ही ब्रह्म हैं, गुरु ही विष्णु हैं, गुरु ही देवों के देव महेश्वर हैं। गुरु शिष्य परंपरा भारत की सभ्यता का एक अहम हिस्सा रही है। भारत के द्वितीय राष्ट्रपति माननीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कहना था कि देश के बुद्धिजीवियों को शिक्षक बनना चाहिए। इससे एक सक्षम पीढ़ी का विकास होगा और देश सशक्त होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में स्किल इंडिया के अंतर्गत कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में ट्रेनर्स और असेसर्स के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को उच्चतम बनाने की ओर अथक प्रयास किए हैं। ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स कार्यक्रम के तहत स्किल इकोसिस्टम के लिए उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षकों और मूल्यांकनकर्ताओं के विकास के लिए डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग यानी DGT के नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी NSDC के अंतर्गत सेक्टर स्किल काउंसिल्स यानी SSCs, स्किल यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट ट्रेनिंग प्रदाताओं द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। देश भर में ट्रेनर्स के लिए एक स्टैंडर्डाइज्ड कौशल विकास प्रणाली को विकसित करने हेतु मंत्रालय के निरीक्षण में NSDC द्वारा विदेशी संस्थानों जैसे सिंगापुर पॉलिटेक्निक से तकनीकी सहायता और तेमासेक फाउंडेशन के सहयोग से नई गाइडलाइंस विकसित की गई हैं, जो शिक्षण प्रक्रिया को बढ़ावा देती हैं। इसके अंतर्गत रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस और सेल्फ डायरेक्टेड शिक्षण का समर्थन किया गया है, जो कौशल प्रशिक्षकों को उद्योग के नवीनतम मानकों से अवगत रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। 14 क्षेत्रों के 196 जॉब रोल्स में 45,000 से अधिक प्रशिक्षकों का 26,000 SSS, 3,000 मास्टर ट्रेनर्स और 817 लीड मूल्यांकनकर्ताओं का सर्टिफिकेशन हो चुका है। ट्रेनर्स और SSS की गुणवत्ता को मजबूत करने के लिए NSTI, ITOT, कॉरपोरेट संस्थानों और विश्वविद्यालयों में ट्रेनर SSS एकेडमीज की स्थापना करने की पहल की गई है। ये एकेडमीज मजबूत उद्योग कनेक्ट के साथ साथ अत्याधुनिक तकनीकों से सुसज्जित होगी। इस पहल में L&T एकेडमी और टाटा स्ट्राइव ट्रेनर असेसर्स एकेडमीज निर्माणाधीन हैं, जिनके लिए मास्टर ट्रेनर और प्रशिक्षक प्रशिक्षित किए जा रहे हैं। DGT की क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर स्कीम CTIS सुनिश्चित कर रही है कि प्रशिक्षकों को उद्योग के मानकों के अनुसार प्रशिक्षित किया जाए। देश भर में ये योजना 33 NSTI और 18 प्रशिक्षण संस्थानों में लागू की गई है, जहां 27 इंजीनियरिंग व्यवसायों और 9 गैर इंजीनियरिंग व्यवसायों में हर साल लगभग 12,000 प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकेगा। DGT लगातार इंडस्ट्री के लीडर्स के साथ मिलकर काम कर रही है, ताकि ट्रेनर्स इंडस्ट्री के सबसे महत्वपूर्ण अभ्यासों से अवगत हो सकें। SAP, Adobe, Cisco, IBM और NASCOM आदि कॉरपोरेट्स द्वारा उद्योग उन्मुख पाठ्यक्रमों में और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट के माध्यम से प्रशिक्षकों को उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप के कौशल में सक्षम किया जा रहा है, जो कि प्रशिक्षण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जन शिक्षण संस्थान ट्रेनिंग फॉर ट्रेनर्स प्रोग्राम के अंतर्गत भारत भर में 233 JSS 5,000 संसाधन व्यक्तियों या रिसोर्स पर्सन के लिए निरंतर क्षमता निर्माण प्रोग्राम करते रहते हैं। वर्तमान परिदृश्य में देखें तो ये ट्रेनर्स की क्षमता और उनकी कर्मठता ही है कि COVID-19 जैसी वैश्विक महामारी की चुनौतियों का सामना करते हुए ट्रेनर्स ने ऑनलाइन ट्रेनिंग जारी रखी। स्किल इंडिया ने ऑनलाइन माध्यमों द्वारा 2,000 से अधिक ट्रेनर्स को डिजिटल स्किलिंग सॉल्यूशन से अवगत कराया, जिससे युवाओं की ट्रेनिंग पर अधिक प्रभाव ना पड़े और वो किसी तरह प्रशिक्षण जारी रखें। व्यावसायिक प्रशिक्षण का एक नया नजरिया लिए ये कौशल प्रशिक्षक और मूल्यांकनकर्ता कौशल भारत के गुरु एक कुशल भारत का निर्माण करने के लिए अग्रसर हैं।